हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्नर। और आज की इस वीडियो में हमें बात करनी है सेक्शन वाइज शॉर्टिंग ऑफ 15 ईयर क्वेश्चन फॉर माइक्रोबायोलॉजी एग्जामिनेशन रिगार्डिंग गेट लाइफ साइंस एग्जाम। इससे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, हमने उसमें जूलॉजी, बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री के बारे में डिटेल में बात कर ली थी, और आज हम स्विच करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। यदि आप सिलेबस में देखें तो माइक्रोबायोलॉजी में टोटल 11 सेक्शन होते हैं। तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है वो है हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव, सेकंड मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड इज माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी, फोर्थ इज प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फाइव इन माइक्रोबियल ग्रोथ, एंड सिक्स्थ इज कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेवंथ सेक्शन है आपका माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, एट इज माइक्रोबियल डिजीज एंड पैथोजन इंटरैक्शन, नाइन इज कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स, एंड टेंथ माइक्रोबियल जेनेटिक्स, एंड एलेवन माइक्रोबियल इकोलॉजी। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है। यदि आप माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स भी हैं, काफ़ी सारे सेक्शंस भी हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रिपेयर। प्रिपेयर हमें कैसा करना है? स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथली हो जाएगी, इजीली हो जाएगी, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने डिवाइड करा है सबसे पहले मोस्ट फ्रिक्वेंट सेक्शन, यहाँ मेंशन करे हैं सेवन सेक्शन। तो आप उन सेवन सेक्शन को देखिए, वो क्या है? माइक्रोबियल ग्रोथ। इससे 42 क्वेश्चंस आए हैं, तो ये जो आपका टॉपिक है इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, 42 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से, सॉरी ये जो सेक्शन है आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स हैं आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। सेकेंड सेक्शन है आपका माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी, जिससे 34 क्वेश्चन आए। थर्ड जो है वो है माइक्रोबियल डिजीज एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, 30 क्वेश्चन। कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स, 30 क्वेश्चन। माइक्रोबियल इकोलॉजी, 22 क्वेश्चन। मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, 20 क्वेश्चन। एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स, 18 क्वेश्चन। तो ये जो आपके टोटल सेवन सेक्शंस हैं ये मोस्ट फ्रिक्वेंट सेक्शन है। तो आपको सबसे पहले इन सेक्शन को प्रिपेयर करना है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं आपको बहुत अच्छे से वो सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेने हैं। सेकेंड जो है वो है आपका मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट सेक्शन। ठीक, तो उसमें टोटल 4 सेक्शन है, जिसमें है आपका माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, आप इसको भी प्रिपेयर करेंगे। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 12 क्वेश्चन आए हैं। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, 10 क्वेश्चन। एंड हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव, 8 क्वेश्चन। तो आपका जो सेक्शन 4 है जिससे 8 क्वेश्चन आए, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव, यदि आप इसको स्किप करना चाहें आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपका प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अगर आप इसको भी स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको 7 सेक्शंस बताए वो आपको प्रिपेयर करने हैं, प्लस में जो आपका ये माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म है प्लस कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर आप माइक्रोबायोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उन 7 सेक्शंस को प्रिपेयर कर लीजिए, फिर आप इस 4 सेक्शन को प्रिपेयर कर लीजिए। यदि होता क्या है कि जो CSIR है उसमें माइक्रोबायोलॉजी कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। जो आपका जैसे कुछ इसका पोर्शन आप देखेंगे तो यूनिट 3rd में पढ़ेंगे, कुछ सेल सिग्नलिंग में, एक आध सिग्नलिंग पढ़ेंगे। तो होता क्या है ना कि इसके सिलेबस को कवर करना बहुत स्पेसिफिक तरीके से इसके सिलेबस को कवर करना पड़ जाता है, क्योंकि हम CSIR में उतना डिटेल में तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पहले आपको वो 7 सेक्शन जो मैंने आपको बताए हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिए, फिर ये जो 4 सेक्शन है इसमें जो सेक्शन 1 है और जो आपका सेक्शन 2nd है उसको आप प्रिपेयर करिएगा, और आपका सेक्शन 3rd और 4th यदि आप उसको स्किप कर रहे हैं तो उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका वेटेज जो है अभी तक बहुत कम देखने के लिए मिला है। ठीक, इसके अलावा यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो रहेगी उसमें हम फूड टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। तब तक क्या करना है, सारे सेक्शन को नोट डाउन कर लेना है और अपनी प्रिपरेशन को करते रहना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।